हाँ सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आई है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है इन्फॉर्मेशन ये, क्योंकि मैं आप सभी को जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिगार्डिंग आईटीआई से जो बच्चे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो बच्चे एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम का डेट कब आने वाला है, एग्ज़ाम कब आएगा। तो उसके लिए आप लोगों के लिए जो है एक अपडेट आ चुकी है और आईटीआई से इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों होने वाला है, यानी उसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। आप जो है अपने आईटीआई में जाके उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या आपके पास पूरी डिटेल है अगर आपके आईटीआई से कि आपका 10th कब हुआ था, आपके जो है आईटीआई में का रजिस्ट्रेशन कितना है, तो आप जो है उसके बिहाफ पे भी आप साइबर कैफे में भी भर सकते हैं। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मानना है वो ये है कि आप आईटीआई कॉलेज में ही जाइएगा और आईटीआई कॉलेज से जाके ही जो है अपने फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आईटीआई से इंटरमीडिएट जो इस साल करने वाले हैं बच्चे 2023 में, उन सभी बच्चों के लिए एक अपडेट आ गई है। और अपडेट ये है कि आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो चुका है, यानी 5 तारीख से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट 25 तारीख तक है। यानी 5 जनवरी से ये फॉर्म निकलेगा और 25 जनवरी तक जो है ये पूरा फॉर्म चलेगा, 5 से लेके 25 तक, यानी पूरा जनवरी ही लगा लीजिए कि आधा जनवरी जो है आपको फॉर्म में अप्लाई करना है, आप फॉर्म को अप्लाई करके सबमिट कर देना है। इसकी लास्ट डेट जो है 25 तारीख को रखी गई है, ठीक है। और इसके फीस की मैं बात करूं, ये तो हो गया एग्जाम का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कि कब से कब आएगा। इसके मैं फीस की बात करूं तो आपको 1500 रुपये देने होते हैं, 1400 कुछ रुपये चार्जेस हैं, तो मतलब 1500 लगा लीजिए, आपको 1500 रुपये लगेगा। अब एग्जाम किसका किसका देना होगा, तो एग्जाम मेरे दोस्त दो सब्जेक्ट का देना होता है। पहला ये एक इंग्लिश, दूसरा जो है आपको हिंदी का एग्जाम देना पड़ता है। इंग्लिश 100 नंबर का होता है और हिंदी जो है 100 नंबर का होता है। ये दोनों एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाता है, यानी दोनों एग्जाम जो है एक दिन ही होता है। ये तो हो गया एग्जाम की बात। अब इसका जो है एग्जाम होगा कब, तो एग्जाम का भी डेट आ गया है। एग्जाम जो है अप्रैल में कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम जो है आपका चौथे महीने में होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है। डेट आई थिंक 26 अप्रैल है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि 26 अप्रैल ही है, लेकिन अप्रैल के लास्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और इसके रिजल्ट का भी एक सेक्शन दिया था कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट जो है आप लोगों को आएगा जून में, है ना। स्कूल जब होगा कब आएगा आपका, जून में जो है इसका आपका रिजल्ट आएगा। यानी 5 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक के बीच में इसका फॉर्म निकलेगा। फॉर्म का जो फीस होता है वो 1500 रुपये होता है। एग्जाम आपको हिंदी और इंग्लिश का देना होता है। ये दोनों एग्जाम जो होते हैं एक ही डेट में होते हैं। एग्जाम का डेट जो है वो अप्रैल में है और रिजल्ट जो आएगा वो जून में आएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है और 5 तारीख से जो है फॉर्म रिलीज हो गए हैं। तो 5 तारीख से आप फॉर्म को भरिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए और जो भी बच्चे आईटीआई से इंटरमीडिएट करने वाले हैं आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है, कोई भी कुछ पूछना है, तो मैं एक लाइव सेशन डेली अरेंजमेंट कर रहा हूं आप सभी के साथ। मैं रोजाना 15 से 20 मिनट लाइव सेशन बातें करूंगा। लाइव में इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मतलब आते ही नहीं है, व्यू मतलब वीडियो अपलोड करने के बाद देखते हैं। तो मैं सोच रहा हूं उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन किया जाए, उनसे जो है थोड़ा सा लाइव आके उनको थोड़ा सा एक्टिव किया जाए। तो आप लाइव आइएगा, लाइव सेशन का मैं टाइम शेड्यूल कर दूंगा कि कब कब मैं लाइव आऊंगा और डेली आऊंगा, है ना कुछ आप लोगों से बातें जरूर करूंगा, क्योंकि लाइव आना और आप लोगों से मिलना बड़ा जरूरी है ना, ताकि आपको मुझे तो पता चले कि भाई आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई के साथ आपको आगे क्या करना है। तो ऐसे ही लाइव सेशन में जुड़ेंगे हम लोग। तो इन्फॉर्मेशन अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।